हाँ जी सर, ये क्या कर रहे हैं आज आप? सीबीसी लगा रहे हैं। सीबीसी? ठीक हाँ, कंप्लीट ब्लूएंट काउट जिसे बोला जाता है, सीबीसी। ठीक 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 है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ताकि आज की जो वीडियो लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। सीबीसी होता क्या है और उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, और उसको जैसे नॉर्मल ब्लड प्राइस ब्लड रेट क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस करना है इसमें। ब्लड कलेक्ट करके ये कहता है EDTA, जैसे K3 EDT बोला था, K3 K3 रहता है, ठीक है। इसी में रखकर इसको मिक्स किया जाता है। इसके ओके लिए एक ब्लड मिक्सर आता है, ब्लड मिक्सर मशीन आती है, ब्लड मिक्सचर। जिस पर रखकर ऐसे मिक्स होता है और रोल किया जाता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर फिलहाल नहीं है हमारे पास, तो इसे हम हाथ से रोटेट करके मिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है। ओके इसका जो कास्ट आता है मिनिमम 250 से 300 तक का आता है, पेशेंट रेट है ना, ढाई सौ पेशेंट तीन सौ रेट। मतलब हाँ, जो चार्ज किया जाता है जो इनको। चार्ज किया जाए पेशेंट रेट का 250 से 300। हाँ, हाँ, अगर सिंपल भाषा में इसको बताना चाहें, सीबीसी है क्या, किस चीज़ का टेस्ट, इसमें क्या पता लगता है, तो ये कैसे क्या सीबीसी है? में ज़्यादातर इसमें देखिए HB हीमोग्लोबिन आपको पता लग जाएगा। ओके इससे ब्लड इन्फेक्शन जैसे WBC, TLC, DLC, ये सब इन्फेक्शन, टोटल इन्फेक्शन, इसनोफिलिया हो गया, ये हाँ, सब पता लग जाएगा। प्लेटलेट्स भी पता लग जाता है इंक्लूडिंग कि प्लेटलेट्स। हाँ कितना ओके प्लेटलेट्स है आपके शरीर में। इसको इसका ज़्यादा प्रोसेसर नहीं है, इस पर नेस्ट करेंगे। नेक्स्ट। नेस्ट ओके, करने के मैं बाद थोड़ा सा देखो इसमें, स्क्रीन इसमें आ रहा है कि हाँ, नहीं मोबाइल में, आप करते इसको जाइएगा। अंदर नेस्ट पे प्रेजेंट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे। डालिए, देखिए हम इसका, लाइव दिखा रहे हैं ना लोगों हाँ, को। ये रीता नाम है, रीता, रीता डाल दिए। लास्ट नेम तो नहीं डालेंगे, फीमेल हैं, इनका एज, एज है 50। बाकी ये जो होता बाकी जो होता है बेड तो थोड़े नंबर, पेशेंट आईडी नंबर, बेड नंबर, ये सब ऑटोमेटिक उड़ रेफरेंस, जाता है, वो कोई मतलब दिक्कत जैसे नहीं। हॉस्पिटल का जो हाँ रहता है तो उसमें हाँ डालना पड़ता जैसे है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल रहता है उसमें हाँ, टाइमिंग बाकी मिक्स नॉर्मली किया आप जाता ऐसे है। कर हाँ, सकते हो, इसका जो कोई ओके फॉर्मेलिटी करेंगे, है। ओके हाँ, देन। मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इसे ओपन करके इसको ओके सेपरेट करके बटन जो होती है इसे प्रेस कर देंगे। ओके देन ये टेस्ट रन होना चालू हो गया। रन होना चालू हो गया ऑटोमेटिक। ओके, अभी बहुत हमने, टाइम लगा, बहुत टाइम लगता होगा इसका? नहीं बहुत टाइम नहीं है, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा अपना प्रोसेस बता देगी। इतना सारा टेस्ट 5 मिनट के अंदर? हाँ, 5 मिनट के हाउ अंदर। टू पॉसिबल, समझाइए थोड़ा सा कैसे 5 मिनट के अंदर कैसे हो जाएगा एचबी पाँच एचबी। मिनट के अंदर ये मशीन होती है ऑटोमेटिक अपना रन करके सब कुछ बता देती है। लेकिन इसके लिए मैनुअल भी होता है, मैनुअल भी ये कर मेरे को एक सकते हैं। चीज बताइए, अगर टेस्ट कराने जाते हैं तो आधा आधा दो दो घंटा क्यों बैठा देते हैं? अगर मान दो लो दो सीबीसी घंटा कराना जैसे रहता है। सीबीसी कराना रहता है तो सीबीसी करने के लिए 2 घंटा इसलिए बैठाया जाता है। जैसे मशीन के तो 5 मिनट में दे देगी, हाँ लेकिन हमें स्लाइड बनाना, माइक्रोस्कोपिंग करना रहता है। ओके जैसे ओके एकदम कंफर्म नहीं, मशीन तो बताते ही है, लेकिन अपने सर्टिफाइड के लिए पूरा माइक्रोस्कोपिंग किया जाता है। TLC, DLC, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन उसमें भी देखा जाता है, जो मिनिमली ओके होती है। ओके ठीक है, इसमें, देखिए आ गया। हाँ इसमें HB लो आ रहा है ना, जो हाँ पेशेंट का आप लगाए हैं हाँ उसका HB लो पेशेंट का है, HB लो है। और थोड़ा WBC भी अप डाउन है, और हाँ इसके देखा जाए MCV। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, जो जो मेन मेन जो चीज़ डॉक्टर एनालिसिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं इसके अंदर, वो मेन मेन क्या होता है, रिपोर्ट में क्या मेन देखा जाता है? मेन मेन में ज़्यादातर WBC देखा जाता है। WBC में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? WBC का होता है फुल फॉर्म है, WBC व्हाइट ब्लड सेल हाँ आई थिंक व्हाइट, ना। हाँ व्हाइट हाँ ब्लड व्हाइट सेल्स ब्लड होता सेल्स है। होता। और लिम्फोसाइट देखा जाता है, लिम्फोसाइट को देखा जाता है, और और इसमें मेल जो मेन होता है, WBC, HB, हाँ प्लेटलेट, बस हाँ देखा जाए मेन यही तीन चीजें इसमें ज्यादातर देखी जाती है। ज्यादातर देखिए एक मेन होता है इसमें, इसनोफिलिया भी देखा इसनोफिलिया जाता है। जिसको, हाँ, इसनोफिलिया जो इन्फेक्शन होता है, जो कर ज्यादा एलर्जी अटकल टाइप होता है, तो इसनोफिलिया भी इसमें मेन होता है। ठीक, ओके चलिए ठीक है सर। इसमें मतलब ये तो मेरे ख्याल से 5 मिनट भी नहीं, 2 ही मिनट लगा है इसको दो टेस्ट मिनट लगने में लगा ना। है, लेकिन ये 2 मिनट लगा है, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिंग किया जाएगा, इससे ब्लड निकाल स्लाइड बनाया जाएगा, स्लाइड को सूखने में समय लगेगा। एक चीज़ कंफर्म मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ कंफर्म डेट मीन्स ये है, हाँ अगर हमें पता करना हो ये रिपोर्ट एक्यूरेट है या टेस्ट हाँ लगा है सही से एक्चुअल, हाँ हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, इस रिपोर्ट पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये रिपोर्ट जो है ट्रस्ट किया जा देखिए, सकता है इस पर? इसमें 90% ट्रस्ट किया जाता है, ठीक है। 10% के लिए आप स्लाइड बनाकर नहीं, उसमें, सपोज दैट इसका HB 8.8 आ रहा है हमारे पास, हाँ अगर पेशेंट को लग रहा है नहीं रिपोर्ट फॉल्ट है या ऐसे है, हाँ अगर ये कहीं और कहीं भी टेस्ट कराता है हाँ अदरवाइज हाँ अपना डाउट क्लियर करने के लिए, तो कितना डिफरेंट आ सकता है जो नॉर्मल जनरल जैसे मेडिकल फील्ड में इसमें देखा जाता इसमें है? ग्राम में जैसे 8.8 ग्राम है, हाँ इसमें डिफरेंट आ सकता है, जैसे 8.4 आ गया, हाँ 8.2 आ गया, पर नियर अबाउट, बस नियर अबाउट, नियर अबाउट। ज्यादा और डिफरेंट नहीं प्लेलेट में, आता। अगर प्लेलेट देखा जाए तो प्लेटलेट देखा जाए, प्लेटलेट तो ज्यादा नियर, इसमें ज्यादा फॉल्ट नहीं आता है। और WBC मतलब 19-20 चलता है एक्यूरेसी, बस 19-20, मतलब आप ऐसे ही नहीं कहेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट इसको मैच कर लिया जाए, नहीं, पॉइंट ऐसा नहीं है ना कुछ? जैसे 8.8 आया, पता लगा मिक्स किया, मैं मैनुअल लगा दिया, हाँ मैनुअल में 8.9 हो गया, तो ओके इसमें अप डाउन रहता है, जो जैसे पॉइंट के बाद अप डाउन रहता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ज्यादा ओके इधर उधर नहीं रहता है। मतलब डेट मीन्स अगर देखा जाए रिपोर्ट एक्यूरेट है, एक्यूरेट है।
और इसकी एक मैं कहीं देखता हूँ रिपोर्ट में स्लिप लगी रहती है। तो ये तो आपको पता है आपने मशीन में इसको लगाया, पेशेंट को कैसे पता लगेगा सेल टेस्ट एक्चुअली में लगा है कि नहीं लगा है? नहीं, जैसे हम प्रिंट मारेंगे, प्रिंट इसमें कहाँ से होता है थोड़ा बताइएगा। देखिए यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है। हाँ, प्रिंट पर क्लिक करेंगे हम। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आई थिंक नहीं निकला सर, अभी नहीं हुआ है। छोटा अच्छा, हाँ। प्रिंट रेडी टू इसके अंदर, अरे कमाल है। देखिए इसके अंदर प्रिंटर है क्या? हाँ, प्रिंटर लगा हुआ है और यहाँ से प्रिंट होकर आएगा, ये स्लिप लगाया जाएगा, इसी से रिपोर्ट बनेगी। ये तो हाँ, इसको निकालिएगा पर्ची, थोड़ा सा दिखाएं हम कैसे निकलता है। ये तो बड़ा, जिन लोगों को नहीं पता होगा ना, नहीं देखा होगा इन्होंने, तो इनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना ये सब चीज़ें। इस तरह से लगाया जाता है, इसमें से जो रहता है, इसमें एक्यूरेट सब चीज़ आ गया ना, सब कुछ आ गया टोटल। ओके, मतलब ये आप रिपोर्टिंग के साथ करते हैं सब चीज़ें? हाँ, रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट में लगाया जाता है। अगर इसको ना लगाएं, फिर ना लगाए तो बहुत लोग मानते हैं कि ये जैसे मैनुअली किया होगा, तो टेस्ट लगाया कि नहीं लगाया, नहीं लगा है। अगर इस ये रिपोर्ट अगर आप ये रहता है, हाँ। पता है कि मशीन से ही स्लिप लगती है, जो पिलाया जाता है उसी के बाद, मतलब इसमें आपने कोई फेरबदल नहीं किया है, जो इसकी एक्यूरेट रिपोर्ट है आपने वो दिया है। और देखा जाए ऐसा कोई मतलब कंडीशन हो सकता है इस मशीन में, फॉल्ट आए या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई फॉल्ट जैसे कुछ जैसे खराबी आ गई या तो डायमंड खत्म हो गया तो ऐसे भी नहीं पिलेगा। हाँ, मतलब इसमें जो रहेगा ऑटोमेटिक में जो रिपोर्ट निकलेगा एक्चुअल में सही निकलेगा। ओके, आज के मतलब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है सर, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और टेस्ट के साथ। टाइम देने के लिए बहुत अच्छा और बहुत धन्यवाद आपका। सो आप लोगों का, जो लोगों को देख रहे हैं इस वीडियो को, इन लोगों का अगर कोई सवाल जवाब होगा तो आपसे मिला जाएगा, इनको रिप्लाई मिलेगा जो अगर। चलो ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।